गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो कल हमने डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। द ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट गिव ह्यूमन द एबिलिटी टू मूव यूजिंग द मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम। क्या आता है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में? मसल्स एंड स्केल्टन। तो ये जो है इसकी वजह से, मसल्स और बोन की वजह से हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड फॉर्म, ये हमारी बॉडी को फॉर्म प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है, स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, एंड इसकी वजह से हम अपनी बॉडी की मूवमेंट कर पाते हैं। इट कंप्राइज ऑफ बॉडी बोन्स, क्या क्या आता है इसमें? बोन, हड्डियां, मसल्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन, ज्वाइंट्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट एंड बाइंड टिश्यू एंड ऑर्गन टूगेदर। ये सब क्या करते हैं? ऑर्गन और टिश्यू को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। द फंक्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम आर एज फॉलो। क्या क्या फंक्शन है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये बोन्स और मसल्स, इसके अंदर जो भी हमारी स्ट्रक्चर होती है, जो भी ऑर्गन है, उन सबको ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है, अलाउ मूवमेंट, इसकी वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। गिव शेप टू द बॉडी, और हमारी बॉडी में जो बोन्स और मसल्स होते हैं उसकी वजह से जो है ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, और क्या बनाते हैं ये? ब्लड सेल्स। कहाँ पे बनता है ब्लड सेल्स? बोन मेरो में। स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और जो है हमारी बोन में क्या स्टोर होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट है स्केल्टन सिस्टम, इसमें है स्केल्टन सिस्टम। द स्केल्टन सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट। स्केल्टन सिस्टम में क्या क्या होता है? बोन्स एंड ज्वाइंट जो एंड बेस प्रोवाइड द बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी को बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट कंसिस्ट ऑफ ज्वाइंट फ्रेमवर्क ऑफ बोन, इसमें जो है बहुत सारी बोन्स आपस में जुड़ के एक फ्रेमवर्क बनाती है जिसे हम स्केल्टन बोलते हैं। द ह्यूमन स्केल्टन इज मेड अप ऑफ 206 बोन। कितनी बोन होती है ह्यूमन बॉडी में? 206। इसमें फर्स्ट है बोन। अब बोन क्या है? बोन इज ड्राई डेंस टिश्यू है, ये कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर। बोन में क्या है? ये एक ड्राई डेंस टिश्यू है जो किससे मिलके बना होता है? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर। द सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन कंटेन बोन मैरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन में, वेयर ब्लड वेसल्स, जहाँ पे ब्लड वेसल, फैट सेल एंड टिश्यू फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लड सेल्स आर फाउंड। ये जो है, ये सारे जो है वो ब्लड सेल्स बनाते हैं। देयर आर फॉलोइंग फोर मेन शेप्स ऑफ बोन। बोन जो है वो फोर शेप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है फ्लैट। फ्लैट बोन्स कौन सी होती है? रिब्स की। ये देखिए, जैसे रिब्स की बोन है इरेगुलर। नेक्स्ट है इरेगुलर कौन सी? फ्लैट बोन कौन सी है? एज इन रिब्स, ये रिब्स की बोन है जो, ये है फ्लैट बोन। नेक्स्ट है इरेगुलर, एज इन द वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन है ये होती है इरेगुलर। नेक्स्ट है शॉर्ट बोन, एज इन द फुट एंड हैंड, हमारे जो हैंड और जो फुट की बोन होती है वो होती है शॉर्ट। नेक्स्ट है लॉन्ग, लॉन्ग बोन कौन सी है? फीमर। ये देखिए, ये जो फीमर है ये वाली एंड ये वाली, ये जो है वो लॉन्ग बोन में आती है, जहां पे जो है हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें ज्वाइंट्स। ज्वाइंट क्या होते हैं? अ ज्वाइंट इज एन एरिया वेयर टू और मोर बोन कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ज्वाइंट क्या है? ज्वाइंट वो एरिया है जहां पे दो बोन्स जो है वो एक दूसरे के बीच कॉन्टेक्ट में आती है, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वाइंट। ज्वाइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन। हम बोन की मूवमेंट को किसकी वजह से कर सकते हैं? ज्वाइंट की वजह से एंड अटैच्ड ऑर्गन। द बोन फॉर्मिंग द ज्वाइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। और जो है
ज्वाइंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ किससे जुड़े होते हैं, लिगामेंट्स के थ्रू। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, कितने टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं, थ्री टाइप्स के। फर्स्ट है फाइब्रस ज्वाइंट और इमूवेबल, फॉर एग्जाम्पल स्कल। अब देखो हमारा जो स्कल है उसको हम मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सा ज्वाइंट है, इमूवेबल ज्वाइंट। नेक्स्ट है कार्टिलेजनस और स्लाइटली मूवेबल, फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रा। हमारा जो वर्टिब्रा होता है उसको क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा मूव कर सकते हैं पर पूरी तरह से नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं कार्टिलेजनस और स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। थर्ड है साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल, जिसको पूरी तरह से मूव कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जैसे हमारे हिप का ज्वाइंट है और शोल्डर का। ये दोनों जो है वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कौन सा होता है, तो कौन सा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिप एंड शोल्डर का। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट में आता है एल्बो का ज्वाइंट, एल्बो, इस एल्बो को भी हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग एज इन कार्पल एंड एट रिस्ट, रिस्ट का जो ज्वाइंट है। नेक्स्ट है पाइवोट, पाइवोट में आएगा एज इन रेडियस एंड अल्ना। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के अंडर हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया, बाकी हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा वो समझ आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट है द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम अलाउ अस टू मूव विद द हेल्प ऑफ स्केलेटन सिस्टम। क्या करता है मस्कुलर सिस्टम, ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। किसकी हेल्प से, स्केलेटन सिस्टम की हेल्प से। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओवर 500 मसल्स वर्किंग टुगेदर टू फैसिलिटेट मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में कितने मसल्स होते हैं, 500, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं जिससे हम अपनी बॉडी की मूवमेंट कर पाते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ बॉडी। सबसे मेन फंक्शन है मस्कुलर सिस्टम का कि बॉडी की मूवमेंट करना और टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, और हम अपनी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करके रखना अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी। देयर आर दी फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने टाइप के मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, थ्री टाइप के। फर्स्ट इज स्केलेटन, सेकेंड इज स्मूथ मसल, थर्ड इज कार्डियक मसल। स्केलेटन मसल होते हैं जो स्केलेटन मसल जो है वो अटैच करते हैं, अटैच टू बोन। स्केलेटन मसल बोन के साथ अटैच होते हैं बाय टेंडन। स्मूथ मसल होते हैं मसल कंट्रोल द एक्शन ऑफ आर गट एंड ब्लड वेसल, जो मसल हमारी गट और ब्लड वेसल्स का को कंट्रोल करती है उन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल, जो हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसे कार्डियक मसल्स कहते हैं।